नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी ये मुहिम पहुँच सके। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। आइएगा, आज की क्लास में हम मराठा पार्ट 4 के बारे में पढ़ते हैं। आज के पार्ट में हम पेशवाओं के शासन के बारे में पढ़ेंगे, और ये पेशवाओं का शासन पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 से लेकर के 1818 तक है। तब तक 1818 में आकर मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो आइएगा, बिना रुके हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेशवा, पेशवा के बारे में। और ये पेशवा जो रहे हैं, ये 1761 से लेकर के 1818 तक जो पेशवा रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और पानीपत के तीसरे युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से हार होती है मराठाओं की। और इसी हार को उस समय के पेशवा बालाजी विश्वनाथ सहन नहीं कर पाते, और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद उनके बड़े बेटे माधव राव को नया पेशवा बनाया जाता है। माधव राव 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के नए पेशवा बने। माधव राव के समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। माधव राव ने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। याद रखिएगा, माधव राव ने मराठाओं की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसे पुनः स्थापित किया। और उसे पुनः स्थापित करने के अनुसार इसने क्या किया, इसने उस समय मध्य भारत में राज करने वाले मुगल राजाओं से अपने संबंध काफ़ी अच्छे बनाए। माधव राव ने उस समय के जो मुगल राजा थे, जिनका नाम शाह आलम सेकंड था, इन्हें दोबारा कोरोनेशन किया, इनका दोबारा राज्याभिषेक किया, और इन्हें मुगलिया सल्तनत का दोबारा से राजा डिक्लेयर कर दिया गया। तो क्या इससे पहले शाह आलम सेकंड मुगलों के राजा नहीं थे? ये मुगलों के राजा थे, लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में शाह आलम सेकंड की हार हुई थी। और यही रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनको पेंशन देनी शुरू कर दी गई थी। इन्हें 26 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती थी, एक तरीके से ये पेंशन भोगी बन गए थे अंग्रेज़ों के। लेकिन माधव राम ने, और उस समय शाह आलम सेकंड का दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक किया, और दोबारा राज्याभिषेक करने के साथ ही एक तरीके से इसे मराठा साम्राज्य का पेंशन भोगी बना दिया। और इसे मराठा साम्राज्य का पेंशन भोगी बनाने से एक फ़ायदा माधव राव को हुआ, और वो फ़ायदा ये हुआ कि इसको पेंशन देने के कारण इसने उत्तरी भारत में आसानी से मराठाओं को आने की अनुमति दे दी। और मराठा जो 1761 में अपनी उत्तर भारत में प्रतिष्ठा को पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पूरी तरीके से समाप्त कर चुके थे, अब वो धीरे धीरे उत्तरी भारत में फिर से अपने पैर पसारने लगे। तो ये टाइम पीरियड रहा है माधव राव का। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं इससे आगे फिर आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, इससे आगे माधव राव की डेथ होने के बाद उसके बड़े बेटे नारायण राव को नया पेशवा बनाया जाता है। नारायण राव मात्र एक वर्ष के लिए ही पेशवा बने। अगर मैं बात करूं नारायण राव की, तो ये 1772 से लेकर के 1773 तक मराठा साम्राज्य के नए पेशवा बने। 1773 में नारायण राव की हत्या कर दी गई रघुनाथ राव के द्वारा,
और याद रखिएगा रघुनाथ राव इसके रिश्ते में क्या लगते थे, चाचा। तो 1773 में नारायण राव की रघुनाथ राव द्वारा हत्या कर दी गई ताकि वो मराठाओं के पेशवा के सिंहासन को छीन सके, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि नारायण राव के बेटे को आगे चलकर के नया पेशवा बनाया गया। तो नारायण राव के टाइम पीरियड में कोई भी रिमार्केबल काम नहीं हुआ, इनका टाइम पीरियड खाली एक वर्ष का रहा है, 1772 से 1773। आप नोट करना चाहें तो इसे कर सकते। चलेगा, आगे चलते हैं। नारायण राव के बाद नए पेशवा इनके बेटे को बनाया जाता है जिनका नाम था सवाई माधव राव। सवाई माधव राव, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले आपने माधव राव के बारे में पढ़ा है और ये सवाई माधव राव थे। सवाई माधव राव 1773 से लेकर के 1795 तक नए पेशवा बने। सवाई माधव राव के समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो हुई 1775 से लेकर के 1782 तक। 1775 से लेकर 1782 तक इन्हीं के समय में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब जब मैं एंग्लो की बात करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, तो 1775 से 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया किसके समय में, सवाई माधव राव। ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। याद रखिएगा मराठा साम्राज्य की तरफ से इसमें भाग लिया महादजी सिंधिया ने, और ईस्ट इंडिया की तरफ से इसमें भाग लिया वॉरेन हेस्टिंग जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे। चलेगा, इस युद्ध की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही रिमार्केबल नाम आता है। जब जब आप पढ़ोगे मराठाओं के बारे में तो महादजी सिंधिया के बारे में, महादजी सिंधिया कौन थे, महादजी सिंधिया कौन थे, एक सभा थी जिसका नाम था बारह भाई सभा। याद रखिएगा इस काउंसिल का नाम था क्या, बारह भाई काउंसिल या बारह भाई सभा। बारह भाई सभा इसका नाम इसलिए था क्योंकि इस सभा में कुल कितने मेंबर होते थे, 12 मेंबर। इस परिषद या इस सभा का काम ये था कि किस तरीके से पेशवाओं को सलाह दी जा सके ताकि वो अपने साम्राज्य को और भी बेहतरीन तरीके से रन कर सके या चला सके। और इसी बारह भाई सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य का नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, और याद रखिएगा महादजी सिंधिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, इनका बहुत ही रिमार्केबल योगदान रहा था पहला आंग्ल मराठा युद्ध में। और अगर मैं बात करूं पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था ये युद्ध 1782 में समाप्त हो गया, और 1782 में ये युद्ध सालाबाई, कई जगह पे आपको सालबाई की संधि लिखा मिलेगा, कई जगह सालाबाई की संधि लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये युद्ध विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हो गया। और इस युद्ध में मराठाओं की जीत हुई, और मराठाओं की जीत होने का सबसे बड़ा कारण थे कौन, महादजी सिंधिया। तो याद रखिएगा पहला आंग्ल मराठा युद्ध और सालाबाई की संधि और मराठाओं की जीत। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे चलते हैं। सवाई माधव राव की मृत्यु हो जाने के बाद इनके बड़े बेटे को अगला नया पेशवा बनाया गया। इनके जो बड़े बेटे थे उनका नाम था बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड 1795 से लेकर के 1818 तक 1818
1818 तक मराठा साम्राज्य के नए और अंतिम पेशवा रहे हैं। याद रखिएगा, बाजीराव सेकंड मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा थे। बाजीराव के समय में ही 1803 से लेकर के 1805 तक, 1803 से 1805 तक दूसरा एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इस दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार हुई, और इस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार भी कई बार हुई। अगर मैं बात करूं, इस मराठा युद्ध के दौरान तीन संधियां की गई अंग्रेजों के द्वारा। इन संधियों में सबसे पहले उन्होंने देवगांव की संधि की। देवगांव की संधि के अनुसार उन्होंने देवगांव और उसके आसपास का एक बहुत बड़ा हिस्सा मराठाओं से लेकर अब अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो अगर मैं बात करूं तो ये संधि 1802 में हुई थी, और बेसिकली इसी संधि के बाद दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी। देवगांव की संधि के अनुसार ब्रिटिशर्स ने अपने कहे अनुसार उससे भी अधिक साम्राज्य को, उससे भी अधिक टेरिटरी को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और यही युद्ध आगे चलकर दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। दूसरा, इस युद्ध के दौरान ही 1803 में सजी अजन गांव, 1803 में सजी अजन गांव, ध्यान से देखिएगा, 1803 में सजी अजन गांव की संधि हुई। सजी अजन गांव की संधि के अनुसार उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में बेसिकली जो आपका हरियाणा और इसके आसपास का क्षेत्र आता था, इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनियों द्वारा पूरी तरीके से और मराठाओं से लेकर अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। तो सजी अजन गांव की संधि के तहत उन्होंने उत्तर भारत को, उत्तर भारत को मराठाओं से जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया। और 1805 में इस युद्ध की समाप्ति राजघाट की संधि के साथ हुई। विद द ट्रीटी ऑफ राजघाट, राजघाट की संधि के साथ ही बचा कुचा जो साम्राज्य था वो भी मराठाओं ने और ब्रिटिशर्स को दे दिया, और इसी के साथ दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई। और इस मराठा युद्ध की समाप्ति का जो सबसे बड़ा कारण रहे हैं वो रहे हैं बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ने इस युद्ध में हारने के साथ ही अंग्रेजों की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सहायक संधि को हम सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, आप हिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, वैले जली जो कि गवर्नर जनरल रहे हैं वो सबसे पहले भारत में सहायक संधि को लेके आए थे। इस संधि के अनुसार कोई भी राजा अंग्रेजों के अधीन अपने आप को सौंप सकता था। इसके तहत अंग्रेज एक बहुत बड़ी मात्रा में रिवेन्यू सालाना उस राजा को देते थे ताकि वो अपने साम्राज्य को चला सके। बदले में अंग्रेज उस राजा की आर्मी, उस राजा की टेरिटरी को कभी भी यूज कर सकते थे, इसके लिए राजा मना नहीं कर सकता था। तो बाजीराव सेकंड सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला मराठा पेशवा बना, और इस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही धीरे धीरे बाजीराव सेकंड की पावर भी कम होने लग गई। और इसका फायदा ब्रिटिशर्स द्वारा फिर उठाया गया जब उन्होंने 1817 से 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जब उन्होंने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से बाजीराव सेकंड की हार हुई। और बाजीराव सेकंड ने मेलकम जो कि अंग्रेज अधिकारी था उसके सामने आत्मसमर्पण या सरेंडर कर दिया। और मेलकम के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ ही इन्हें कैद कर लिया गया, और बाजीराव सेकंड को कैद करके एक जगह है
कानपुर के पास बिठूर, बिठूर याद रखिएगा, कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया और बिठूर में इनको पेंशनर बना दिया गया और इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन दी जाने लगी। और बिठूर के पास रहते ही इनकी 1853 में मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले कि इनकी मृत्यु होती, तीसरे और अंतिम मराठा एंग्लो मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद ही ब्रिटिशर्स पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर देते हैं। और इस तरीके से एक बहुत ही पावरफुल साम्राज्य, जिसकी स्थापना महाराज शिवाजी द्वारा की गई थी 1818 तक आते आते, वो साम्राज्य पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपकी सजेशंस हमेशा वेलकम है। कल से हम ज्योग्राफी की क्लासेस की शुरुआत करेंगे और जिस तरीके से आप हमारी दूसरी वीडियोस को पसंद करते हो, आई होप कि आप ज्योग्राफी के प्रति भी अपना उतना ही प्यार और उतना ही समर्थन बनाए रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।